हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके? दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम सिखाएंगे आपको कि हाउ टू रिकॉर्डिंग मोबाइल स्क्रीन। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं रिकॉर्डिंग की तरफ। कैसे हम मोबाइल की स्क्रीन एक ईजी वे में और बिना किसी झंझट के हम रिकॉर्ड कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम सबसे पहले मोबाइल की तरफ। अब दोस्तों, सबसे अपन जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। देखो दोस्तों, जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी इसको ऐड कर रखा है, और इसको मैंने वाईफाई ऑन कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ट्राई अगेन। और ये अब दोस्तों, मैंने यही आपको क्यों बताया स्क्रीन, क्योंकि दोस्तों एक तो ये बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सूटेबल और एक सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली स्क्रीन रिकॉर्डर है। देखो दोस्तों, इसे लगभग 50 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हम स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन करते हैं। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको तो ड्रैग आउट कर देते हैं। और बिल्कुल, ये अगर यहाँ पर कोई स्क्रीन रिकॉर्ड ऑलरेडी कर रखी हो तो स्क्रीन रिकॉर्ड आ जाती है। यहाँ पर अगर स्क्रीनशॉट ले रखा हो हमने कोई, तो वो आ जाता है। और यहाँ पर सेटिंग, जो कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट सीखनी है। ठीक है दोस्तों, अब सेटिंग में सबसे पहले बात आती है रेजोल्यूशन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1600x720 पे है, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपको HD पे करना हो तो HD पे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सबसे अच्छा है। दूसरा आता है बिटरेट। बिटरेट दोस्तों, इसमें ऑटो सबसे बढ़िया है। चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया ऑटो है वो ऑटो। अब आते हैं फ्रेम रेट। तो दोस्तों, फ्रेम रेट जो एक यूट्यूब वीडियो डालने के लिए सबसे बढ़िया होती है 30 FPS। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आते हैं हम ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन में आप चाहो तो इसे, अगर आप मोबाइल टेढ़ा करोगे तो टेढ़ी स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी, और आप चाहोगे पोर्ट्रेट तो पोर्ट्रेट मोड में जाएगी, लेकिन इसको ऑटो ही रहना चाहिए। ऑटो सबसे बढ़िया है। ठीक है, अब रिकॉर्ड ऑडियो। दोस्तों, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ऑन कर दीजिए, नहीं तो ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अब आता है ऑडियो सोर्स। दोस्तों, ऑडियो सोर्स अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड 10 वर्जन के ऊपर है तो आप इंटरनल पे भी कर सकते हो, नहीं तो फिर एक ही ऑप्शन है अपना माइक्रोफोन का। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम आउटपुट डायरेक्टरी। आउटपुट डायरेक्टरी तब काम आती है जब अपने मोबाइल में SD कार्ड लगा हुआ हो, लेकिन मेरे मोबाइल में भी SD कार्ड नहीं है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल ऐसे ही सभी में बहुत ज़्यादा इंटरनल मेमोरी ईजिली आ जाती है। अब दोस्तों, फिक्स ग्रीन स्क्रीन, इसका मतलब है कभी कभार हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो ग्रीन टाइप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो ये है कि अगर कोई भी थोड़ा धुंधली टाइप या कुछ भी होती है तो उसको फिक्स कर लेता है, तो उसे ऑन कर दो। वैसे अगर मोबाइल अच्छी क्वालिटी का है तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अवॉइड अनएक्सपेक्टेड, ये आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम हाइट रिकॉर्ड विदाउट ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग। दोस्तों, ये ऑप्शन होता है, जैसे अभी मैंने ड्रैग आउट किया था ना, वो अगर आपको रिकॉर्डिंग ये ऑन करना है तो वो ऑप्शन दिख जाएगा, नहीं तो वो हट जाएगा, जो कि यहाँ पर शो होता है स्क्रीन पे। मैजिक बटन, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा दोस्तों। मैजिक बटन वैसे ज़्यादा कोई वो नहीं है इम्पोर्टेंट, इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर एक बार दबाएँ तो बंद हो गया, इधर दबाया यहाँ पर कहीं भी तो चालू हो जाता है, उससे रिलेटेड है। स्टॉप नोटिफिकेशन, ये इंजन में आप आराम से टाइम लिमिट सेट कर सकते हो। ठीक है, इनेबल द लिमिट, स्टॉप ऑन शेक, मतलब जैसे आप हिलाओगे, जैसे आपने मोबाइल का हिलाया तो बंद हो गया, हिलाया तो चालू हो गया, उससे रिलेटेड है, तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि डिसेबल पॉप अप विंडो आफ्टर स्क्रीनशॉट। जैसे आप कोई भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, हम जैसे मान लो ये ले लिया, तो ये जो इसे बोलते हैं पॉपअप, तो आप इसके थ्रू अगर इसे ऑन करोगे तो ये दिखेगा, और ऑफ करोगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है दोस्तों, काउंटडाउन वैल्यू, तो वही है कि आप जैसे स्टार्ट करोगे आप चाहते हो कि काउंटिंग हो, ये जैसे ये अगर ये ऑफ़ कर दोगे तो नहीं आएगा, ये ऑफ़ करोगे तो आप कितने सेकंड रखना चाहते हो वो आपके ऊपर है, आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, ये देखो स्क्रीनशॉट आ गया ना, तो ये विंडो पॉपअप वाला आ गया। ठीक है, ये कर दें, ये बंद हो जाएगा।
कैमरा है, तो अगर आप इसके साथ में चाहते हो कि आप कैमरा रखो तो स्क्रीन के साथ, तो आप इसे कैमरा को ऑन कर, नहीं तो ऑफ़ कर दीजिए। अब जैसे आप इसे चालू कर दोगे तो अभी मेरा स्क्रीन यहाँ पर दिखने लग जाएगी। देखो ये आगे वाला कैमरा ये यूज आ रहा है, ठीक है, और चाहो तो इसे बंद कर दो। ब्रश है, ब्रश में आप नॉर्मली हर कोई जानता है, इसमें अगर आपको टेक्स्ट लिखना हो, कुछ भी करना हो, कलर करना हो रिलेटेड है, तो ये मोटा मोटा है, ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी एप्लीकेशन है। और ये रिमूव एड, इसके लिए क्या होता है, ये मांगता है सब्सक्रिप्शन, तो ऐसा कोई रिकॉर्डिंग करते हुए तो ऐड आता नहीं है, बाद में है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको यूज़ लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों।